हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बेड के आसपास क्या नहीं होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से दोस्तों बेड की पोजीशन है, जो हमारा बेड है दोस्तों उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बेड एक ऐसी चीज़ है जिसको दोस्तों हम रात को सोते हैं, हम पूरे दिन की जो थकान है दोस्तों वो बेड पे सोकर हम मतलब उसको दूर करने की ट्राई करते हैं, जिससे दोस्तों सुबह उठकर दोस्तों हम अच्छी सी नींद पूरी होने के बाद फिर से दोस्तों हम अपनी जो है जो दिनचर्या है दोस्तों वो स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों बेड की जो पोजिशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से क्या होनी चाहिए बेड की पोजिशन, वो भी दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर बेड की पोजीशन दोस्तों अगर सही नहीं है तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। राइट दोस्तों, अगर बेड की पोजीशन हमारी ठीक नहीं है तो कई तरह की दोस्तों मानसिक तनाव आपको आएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। यदि गलत दिशा में रखे गए पदर पर पति पत्नी भी सोते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में दोस्तों बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बीमारियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये दोस्तों वास्तु के हिसाब से अगर बेड की पोजीशन अगर सही नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों आपके घर में होती हो रही होंगी या फिर होने वाली है। दूसरा है दोस्तों, कमरे के दरवाजे के सामने मतलब पलंग नहीं होना चाहिए। यदि दरवाजे के सामने दोस्तों पलंग लगा है, राइट, दरवाजे के सामने अगर पलंग लगा है, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हो, इससे आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव और बीमारी आदि समस्या बन सकती है। यदि पलंग का स्थान बदलना संभव न हो तो दरवाजे के सामने पर्दा लगा देना चाहिए, वो सही रहता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो दरवाज़ा है, राइट दोस्तों, वो उसके सामने हमारा जो है पलंग कभी मत रखिए, जिससे दोस्तों हमारी प्राइवेसी भी अफेक्ट करती है और दोस्तों उससे दोस्तों कई सारे वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। तो देखना चाहिए कि आपका जो बेड है दोस्तों वो दरवाजे के सामने कभी मत रखिए, राइट। अगर है तो उसकी पोजीशन चेंज कीजिए, अगर पोजीशन चेंज करना संभव नहीं है तो उस पर दोस्तों हम पर्दा डाल के ढक भी सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके पलंग के ठीक सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, मतलब जो मिरर नहीं होना चाहिए, जिससे सोते समय आपका प्रतिबिंब दिखाई दे। यह पति पत्नी के रिश्तों में दोस्तों बहुत बुरा मतलब प्रभाव डालती है। यदि पलंग के सामने कोई कांच है तो जिससे आपका प्रतिबिंब दिखाई देता हो तो उसे दोस्तों कपड़ा डालकर ढक देना चाहिए, या फिर हटा सकते हैं तो ज़रूर हटा दीजिए। राइट दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बेड के सामने कोई भी मिरर दोस्तों आपको नहीं रखना है, वास्तु के हिसाब से अगर आपको चलना है तो। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके पलंग के सिराने ठीक पीछे दीवार होनी चाहिए। राइट दोस्तों, अगर आप जहाँ सोते हैं दोस्तों उसके पीछे दीवार होनी चाहिए, ऐसा होने से आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और जबकि सिराने के पीछे खिड़की या फिर खुला हिस्सा हो तो आपके आसपास की ऊर्जा दोस्तों बाहर चली जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ सो रहे हैं उसके पीछे दोस्तों कोई विंडो या ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे ठोस दीवार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे दोस्तों आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपको एक अच्छी नींद आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर यदि आपके पलंग के ठीक ऊपर छत पे बीम है तो पलंग को वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। बीम के नीचे सोने से आपका मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है और नींद ठीक से नहीं आती है और तनाव बढ़ता है, थकान दूर नहीं होती है। दोस्तों ये याद रखिए, कभी भी बेड के ठीक ऊपर दोस्तों कोई बीम या फिर कोई ऐसा पोर्शन ना हो जिससे दोस्तों आप जो है आपके जो है मानसिक तनाव आप पर पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों वास्तु के अनुसार अपने रूम में पानी के संबंधित फ़ोटो भी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने पर धन की हानि होना संभावना है। दोस्तों आपका जो रूम है दोस्तों उसके अंदर कोई भी दोस्तों पानी के रिलेटेड मतलब पेंटिंग या फिर फ़ोटो दोस्तों नहीं रखना चाहिए, ये वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। दोस्तों इसके कारण दोस्तों आपको बहुत बड़ी धन की हानि भी हो सकती है, तो ये ज़रूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आजकल बेडरूम में टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक रखने का आइटम का दोस्तों चलन चल रहा है। यदि यह चीज़ें घर के आपके पलंग के पास होगी तो नकारात्मक ऊर्जा को खींचेगी, जिससे दोस्तों आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि जो बेडरूम है उसमें टीवी, फ्रिज मतलब सारी चीज़ें जो हमारे किचन या ड्राॅइंग रूम में होती है वो हम बेडरूम में लाने की ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, बट वास्तु के हिसाब से ये बहुत गलत है। आपके रूम में टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इससे नकारात्मक एनर्जी दोस्तों हमारे बेडरूम में आती है। और लास्ट है दोस्तों कि पलंग के आसपास कभी भी धर्म से मतलब बेडरूम का जो पलंग है, बेड है, उसके धर्म से जुड़ी चीज़ों को कभी दोस्तों हमें लगाना नहीं चाहिए। देवी देवता के जो पोस्टर है या पेंटिंग है हमारे बेडरूम में कभी मत लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक वास्तु दोष घर के लिए निर्माण करता है।
ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। वास्तु के रिलेटेड दोस्तों मैंने ये पहला वीडियो बनाया है, जिसे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखिए और मुझे और कमेंट कीजिए कि वास्तु दोष दोस्तों अगर हमें दूर करना है अपने घर का, तो ये जो दोस्तों ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।